डियरेस्ट रॉनी, दोस्त वो जो दिल को मोस्ट छू जाए, दोस्त वो जो बिना कहे सब कुछ समझ जाए, सब कुछ जान जाए, दोस्त वो जिसके सामने आप बेशरम हो जाओ, दोस्त वो जिससे आप वो सब कुछ कह सको जो और किसी से ना कह पाओ। चार साल से वो एक दोस्त तुम रहे हो मेरे, ना उसके पहले कोई था, ना मैं कभी कोई और चाहती हूं। रॉनी, जब मुझे पापा की डेथ का पता चला, उस वक्त अगर तुम ना होते तो शायद मैं कंप्लीटली टूट जाती। यू नो, जो स्पेशल है तुम्हारे और मेरे बीच वो यही है कि मैं बेझिझक तुमसे गले लगकर रो सकती हूँ, बेवजह तुम्हारे साथ हंस सकती हूँ। रॉनी, इस रिश्ते में कोई वजह ना बांधो। मैं मानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो सेल्फिश बातें हैं, लेकिन वही तो रिश्ता है ये। शायद मैं तुम्हारे लिए उतनी अच्छी दोस्त ना बन पाऊँ, हो सकता है मुझ में वो बात ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम हो मेरे साथ, यही मेरी स्ट्रेंथ है। तुम जैसा दोस्त होना मेरी ताकत भी है और मेरा स्टेटस भी। मुझसे मेरी ताकत मत छीनो। आई नीड यू एज अ फ्रेंड। किसी और रिश्ते में हम इस तरह खुश नहीं रह पाएंगे, तो जो है उसे तो ना खोए। अनन्या। आपको थैंक यू बोलना चाहता था अनन्या को बागियों से बचाने के लिए। मैं कमिन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मुझे बस ये बताना है कि बहुत कुछ आप मुझे बता चुकी हैं कल रात में इस कशो। उसके अलावा कुछ कहना? वो सब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, बोलो। वो कल रात में तुम्हारे घर अपना ब्रेसलेट भूल आई, तुम्हें मिला? एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है कल मैं तुम्हारे घर से कब निकली। सुबह? वाज आई ड्रंक या फिर सिर्फ नशा चढ़ा था? होश में तो कल रात मैं भी बहुत कम था, लेकिन
ये याद रख। Thank you. That's so sweet of you. You found it और तुम याद से इसे लेकर भी आए। वैसे एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा अगर ये ब्रेसलेट खो जाता तो मैं तुमसे दूसरा ले लेती। वैसे मालविका, तुम ये ब्रेसलेट गिरा कैसे आई? कैसे? बस मालविका, मैं होश खोने से पहले सोने जाना चाहता हूं। आई कांट अफोर्ड टू लूज कंट्रोल एनी मोर। जिंदगी में और एक्सीडेंट्स नहीं जा सकता मैं। इतनी जल्दी? मैं अकेले जल्दी सो जाता। थैंक्स फॉर द वंडरफुल इवनिंग। माय प्लेजर। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक, दरवाजे तक यहाँ सिर्फ। वो तो मुझे भी याद नहीं कि कल मैंने ये ब्रेसलेट कैसे गिराया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बट थैंक यू। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है तुम्हारे पास? चलो कोई बात नहीं, मैं ही दे देती हूं। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। वो क्या है ना, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कबीर से प्यार करने की। ही इज ऑफ अ डिफरेंट क्लास व्हिच यू कैन नेवर मैच अप टू। तुमने कबीर के बारे में एक क्वेश्चनर बनवाया था ना, उसमें तुमने एक सवाल किया था कि मालविका और कबीर का क्या सीन है। तो मैं तुम्हें वो जवाब अब देती हूँ। कल रात से हमारा सीन शुरू हो गया है। So, Singapore? Excellent. Great meeting. Hey, Kale is a wonderful guy. Raj, mast aadmi. Majhe ka kya lagta hai? Majhe is going to be the next big news. Media ki duniya mein ek khabar tehlka macha di. Mark my words. Kabir, coffee. Coffee, Kabir. I'll just settle everybody. Right, ladies and gentlemen, Kabir ne aapse kuch important baat karni hai, so settle down. Kabir. To aaj ki news discuss karne se pehle main aap logon ke sath mein kuch share karna chahta hu. Jaisa ki aap sab jante hain ki mujhe Singapore jana pada अचानक केएल से मिलने के लिए, और उसकी वजह थी कि आने वाले कुछ दिनों में केकेएन के अंदर बदलाव की कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। केएल एक मर्जर की ओर काम कर रहे हैं और एक और इंटरनेशनल कंपनी
KKN के साथ जुड़ने वाली है, यानी KKN एक जॉइंट वेंचर बनने वाला है। अब इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा हमारे चैनल पर, इसके बारे में फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों को ये बता देना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट में भी इस नई कंपनी की दखलंदाजी रहेगी? जाहिर है मानव होगी, लेकिन किस हद तक दखलंदाजी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, क्या हमें हमारी नौकरी की चिंता करनी चाहिए? Why? बिल्कुल नहीं। तो एडिटोरियल पर इस मर्जर का क्या असर पड़ेगा? पापा ने बताया टाइम फ्रेम क्या है मर्जर के लिए? हाँ, कह रहे थे कि इफ ऑल गोज वेल 4 से 6 हफ्ते। अभी तक तो हम निष्पक्ष तरीके से न्यूज पेश करते आए हैं, मतलब हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो क्या वो बदल जाएगा सर? तो क्या ये मर्जर ही है या हम बिक रहे हैं? मानव, अगर मर्जर कह रहे हैं तो वही होगा, और तुम्हें किसी और को बेचने से पहले मुझे लगता है तुमसे पूछेंगे तो सही। नहीं मानव, यू गॉट योर आंसर। कबीर, कंटिन्यू प्लीज। क्या मर्जर से न्यूज के कंटेंट पर भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या रिपोर्टिंग का रुख चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसा? एक्सक्यूज मी अनन्या, कबीर आज शाम के लिए टेबल कंफर्म कर दूं डिनर के लिए? हाँ बिल्कुल, श्योर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज मे आई लीव? क्यों, तुम मर्जर की बात पर रिएक्ट कर रहे हो या फिलहाल जाना चाहते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे, अचानक? इट्स ओके कबीर, रोनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जाने दो। रही बात जिम्मेदारी की, आई टेक केयर ऑफ इट। चैनल का काम चलते रहना चाहिए, राइट? सो आई टेक केयर। और तबीयत तो अचानक ही खराब होती है ना, हमारे मर्जर की तरह प्लानिंग थोड़ी ना लगती है महीनों की, राइट रोनी? और कबीर, इतनी छोटी सी बात पर तुम रोनी की ईमानदारी और निष्ठा पर शक कर रहे हैं? नॉट नाइस, दिस इजंट एक्सपेक्टेड ऑफ यू कबीर। मुझे लगता है रोनी, यू कैन गो। थैंक यू सर। रोनी, I have to go. Sure. Excuse me. Rony, Rony, ऐसा क्यों कर रहा है? देख, मैंने उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है, मैं सच कह रही हूँ, एटलीस्ट तू तो मेरी बात समझ। कल तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं तेरे साथ शेयर करती थी, क्या सही है क्या गलत तू एडवाइस करता था। अब तू तो मुझे अकेला मत छोड़। देख, हम इतने सालों से दोस्त हैं, वो दोस्ती क्यों खराब करें? प्लीज प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है यार, देख मैं समझदार हूँ, मैच्योर हूँ, मैं समझता हूँ। मुझे फिलहाल के लिए अकेला छोड़ दे। खानी और आज के खबरों के पिटारे से, मुंबई में भारी बारिश ने ढाया कहर,
कानपुर के एक सब इंस्पेक्टर ने मोबाइल सोशल मैसेजिंग ऐप पर भेजा इस्तीफा। यूपी के प्रतापगढ़ में एक होटल में लगी आग, 10 लोगों की मौत, जिसमें से 3 थे डॉक्टर्स। वकालत के वार्षिक एग्जाम के चलते एग्जाम पेपर लीक का एक स्कैम सामने आया है। हमारी संवाददाता अनन्या कश्यप इस वक्त मौजूद हैं। आइए चल के उनसे कुछ बात करते हैं। अनन्या, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है डिटेल्स इस स्कैम की। कल रात पश्चिम दिल्ली के एक 3 सितारा होटल में पड़े पुलिस छापे में वार्षिक वकालत एग्जामिनेशन पेपर्स की कॉपीज मिली है। एग्जाम रद्द कर दिया है और दिल्ली के चीफ एग्जामिनेशन ऑफिसर का ये कहना है कि एग्जाम की अगली डेट 1 महीने बाद घोषित की जाएगी। कहा जा रहा है कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है, पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अनन्या कश्यप, KKN, नई दिल्ली। ओके, कट। क्या बोल गई थी अनन्या? रिपोर्टिंग में गलती तुझसे यार। स्लिप ऑफ टंग यार। यार आज तक तो ऐसा नहीं होगा, इतने सालों से तेरे साथ काम कर रहा हूँ, तेरा दिमाग काम में नहीं है, तू कुछ और सोच रही है। प्रॉब्लम में है तू, है क्या प्रॉब्लम है बता ना। बहुत कुछ गलत हो रहा है, बस बहुत कुछ ठीक कर। यार तुम लोगों ने देखा आजकल क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यार? सुबह ना वो कैंपस से रिपोर्टिंग कर रही थी ना अनन्या, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी यार। मतलब रिपोर्टिंग करते वक्त अनन्या भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, आज तक नहीं हुआ। मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है यार, मतलब कि यार समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सही करना है। क्या गलती हो रही है वैसे? यार वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब कटी कटी सी रहती है सारा दिन, मजाक सहन नहीं होता, बस फुग्गे जैसा मुंह फुलाई रहती है यार। मुझे लगता है हमारे ऑफिस के पानी में ही कोई गड़बड़ है। एक रोनी की बात बताऊं? हाँ हाँ, क्या? मैं नीचे। यार एक सेकंड, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। कि तुझे प्यार हो गया है? किससे? हाय ऋचा जी, कसम से मेरा नाम मत ले देना, मैं मर जाऊंगा तुरंत ही। ऋचा मुझे संभाल लेना है। सनी प्लीज, मजाक नहीं चल रहा है, ऊपर बैठ। हाँ हाँ, पहले तुम दोनों प्रॉमिस करो कि ये बात ऑफिस में नहीं फैलाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। रोनी और अनन्या के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। रोनी ने अनन्या को प्रपोज किया, वैसे भी लग रहा था कि रोनी इस पे फुल फिदा है, और दोनों की फ्रेंडशिप ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप लग ही नहीं रही थी। लेकिन अनन्या नहीं है ना? ओह नो, हाय, एक तरफा। रोनी ने अनन्या को प्रपोज किया, अनन्या ने मना कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कि ये सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है, कुछ नहीं। यार मुझे नहीं समझ में आती, ये लड़कियां लड़कों की फीलिंग को क्यों नहीं समझती हैं? बताओ तो लड़के कौन से समझते हैं लड़कियों को? दोस्ती है मतलब प्यार भी हो जाना चाहिए, जरूरी है। नहीं गलत है क्या है? यार प्लीज तुम दोनों मत शुरू हो जाओ अब। देख ऋचा, मैं समझती हूँ कि अनन्या पर क्या गुजर रही है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि ये प्यार के चक्कर में फ्रेंडशिप टोटली खत्म हो जाती है। यार एक बार सोच रोनी पे क्या गुजर रही होगी, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना चाहा, प्यार किया और सच बता दिया तो बस उल्लू बन गया है। ये तो नहीं होने देना ना हमें, वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, हमें उन दोनों को एक करना होगा। ये प्यार व्यार का चक्कर ना मुझे नहीं पता, लेकिन उन दोनों के बीच जो एक अच्छी दोस्ती है वो नहीं खोनी चाहिए। दो अच्छे लोग नहीं अलग होने चाहिए। बात तो तुमने समझदारी की है। ठीक है, हम उन दोनों को अलग नहीं होने देंगे, लग जाते अपने अपने काम पे। हाय रात बहुत हो गई, डिनर पर चलें। जाने से पहले, नजर और नजरिए में बहुत फर्क होता है, आप जानते हैं। वही ग्लास आधा खाली आधा भरा होता है। जिंदगी हमें क्या देती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
हम जिंदगी को किस अंदाज से जीते हैं, फर्क उससे पड़ता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.